मैं गौरी शर्मा। सो अब तक हमने रेशनल नंबर पढ़ लिए थे, आज हमारा नया टॉपिक है स्क्वायर रूट। सो अपना टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। ओके, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं हम। रूट 64 ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इसका क्या करेंगे, इस अंदर वाले नंबर को हम करेंगे प्राइम फैक्टर। तो देखिए, मैंने आपको प्राइम फैक्टर करना बताया है, और एक और बार अपन देखिए इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टर। तो इसे लाइन खींच लेंगे और इस नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे 64। इसके बाद इस नंबर में हमको लोएस्ट नंबर से डिवाइड देना है। तो लोएस्ट नंबर देखिए 2 से इस नंबर में डिवाइड जा सकता है। तो देखिए आप, 2 3 6, 2 2 4। ओके, अब इस 32 में 2 का दे सकते हैं क्योंकि 2 से जाता है। 2 1 2 2 6 12। 16 भी 2 के टेबल में आता है, तो इसमें 2 का डिवाइड जा सकता है। 2 8 16। 8 में 2 का जा सकता है, तो 2 का देंगे। 2 4 4 में 2 का जा सकता है, 2 2 2 1 2। तो देखिए इसका हमने प्राइम फैक्टर निकाल दिया है, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो 64 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितने 2 आ रहे देखो, 1 2 3 4 5 6। हमने कितने लिखे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर रूट है तो हमें दो दो के पेयर बनाने हैं। तो देखिए दो दो के ऐसे पेयर बनाएंगे, तो कितने पेयर बने, 3। इनमें से एक वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसमें से 1 2 निकाल लिया, इस नंबर से भी 1 2 निकाल लिया, उसमें से भी 1 2 निकाल लिया, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो देखिए इसका जो स्क्वायर रूट है हमारा वो क्या आया है, 64 इक्वल्स टू 8। अब देखिए इधर हम 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लगाओ तो वैसे लगाते तो नहीं है, लेकिन जो आगे वाले जो जैसे हम क्यूब रूट निकालेंगे उसमें ये जो साइन होता है ये जरूर लगता है, जो नंबर आता है साइन के बाद ये जरूर लगता है, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है इस नंबर की। तो उसको लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। अब हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन अब हम चेक भी तो कर सकते हैं इस आंसर को कि सही है नहीं सही है। तो हम चेक करेंगे, इस नंबर को ये हमारा सही है ये नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया है इसका अगर अपन स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, अगर ये इसके बराबर आ गया, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है इसके अगर ये वो बराबर आ गया तो हमारा आंसर सही है। तो हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं, 8 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 8 8 8 जा 64। देखिए ये नंबर और ये नंबर इक्वल है ना, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर सही है, तो आप चेक भी कर सकते हैं इससे अपना आंसर सही है नहीं है। अब हम आज का हमारा होमवर्क इस क्वेश्चन का देखिए, √49 एंड √169। तो इसको भी आपको ऐसे सॉल्व करना है प्राइम फैक्टर से, फिर ऐसे पेयर्स बना लेने, फिर उनमें से एक एक नंबर ले लेना, फिर मल्टीप्लाई करके ऐसा आंसर लेके आना है। फिर उसके बाद अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप इस मेथड से करिए, जो आपका आंसर आया है उसका आप अगर स्क्वायर करेंगे तो अगर उसके इक्वल आ गया तो वही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो स्क्वायर रूट है, और जो अंदर वाला नंबर है इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर करेंगे अंदर वाले नंबर में, 1 4। देखिए ये जो नंबर है 2 से जा सकता है, तो हमें 2 से दे देंगे। 2 7 जा 40, 2 2 जा 4। ठीक है, अब 72 भी 2 से जा सकता है और लोएस्ट नंबर भी है, तो उससे देंगे हम। 2 3 जा 6, 1 कैरी 2 6 जा 12। देखो इसको मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ, 72 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, इसमें से एक माइनस हुआ इवन बचा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 6 जा 12, माइनस हुआ कैरी। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, 36, बिल्कुल सही है। अब हम दोबारा इसमें 2 का दे सकते हैं, 2 1 जा 2 1 कैरी 2 8 जा 16। अब इस 2 में हम दे सकते हैं क्योंकि 18 जो है वो 2 के टेबल में आता है। देखिए 2 9 जा 18। अब देखिए जो 9 है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देखिए इसको हमने प्राइम फैक्टर कर दिया है, अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे
44 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये यहाँ पे तीन पेयर बन गए, अब इनमें से वैल्यू ले लेंगे। इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 2 ले लिया और इस पेयर में से एक 3 ले लिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ओके, तो हमारा इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो क्या है? 12। अब हम इसको चेक भी करेंगे। 2 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर आया है उसको हम क्या करते थे? स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12। इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके 12 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 1 जा 2। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 1 2 जा 2 1 1 जा 1, ऐड करो 4 2 प्लस 2 4 1। तो इसको हम मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 144। और 144 अगर इसके बराबर आ गया जो क्वेश्चन में दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमारा आंसर सही है। तो मतलब जो हमारा आंसर आया 12 वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी टाइप के आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन √81, सेकंड क्वेश्चन √225। ये आपको होमवर्क पे सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से हमारा फर्स्ट मेथड क्या है कि हम उस नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जो नंबर लेफ्ट साइड में आएंगे उन सबके हम क्या करेंगे, पेयरिंग। उस पेयरिंग में से एक एक नंबर को हम ले लेंगे और उसके बाद उन सबका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, वो हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो जो आपको आंसर आया उसको अगर हम स्क्वायर करेंगे, अगर वो क्वेश्चन के नंबर के इक्वल आ गया तो वो आपका आंसर होगा। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक खत्म। कल एक अच्छी वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। बाय गाइस।